हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए वॉकर, जो हम बेबी वॉकर लेते हैं, वो बच्चों के लिए सही होता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, कनाडा में बेबी वॉकर पूरी तरीके से बैंड है। वहाँ किसी भी बच्चे को आप बेबी वॉकर नहीं दे सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, जब हमारा बच्चा बैठना शुरू करता ही नहीं है कि हम बच्चे के लिए वॉकर ले आते हैं। हमें ये लगता है कि हम बच्चे को वॉकर में बैठाएंगे तो हमारा बच्चा जल्दी चलेगा, जल्दी चलना सीखेगा। तो ये सारे थॉट्स हर पेरेंट्स के मन में होते हैं, यही सोच करके हम बच्चों के लिए बेबी वॉकर खरीदते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके साथ ऐसे केसेस होते हैं, जो रिकमेंड करते हैं कि बेबी वॉकर्स बच्चों के लिए सेफ नहीं है। और वो क्यों नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वॉकर में सबसे बड़ी दिक्कत एक ही होती है कि वॉकर में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जितना बच्चा नहीं चल सकता है, उससे ज़्यादा उसको स्पीड वॉकर की हेल्प से मिल जाती है। वो हल्का सा ही पुश करके काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो आप जब बच्चे को, हम जनरली क्या करते हैं, बच्चे को वॉकर में बैठा देते हैं एंड घर में छोड़ देते हैं कि वो आराम से अपना इधर उधर कर लेगा। पर दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चे को वॉकर में बैठा करके अपना कोई काम कर सकते हो, वो आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। लेकिन जब आप बच्चे को वॉकर में बैठाते हो तो ऐसा स्टडी शो करती हैं, ऐसा प्रूव करती हैं कि बच्चे को वॉकर में बैठाने के बाद एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। क्योंकि बच्चा वॉकर में बैठने के बाद कितनी स्पीड से इधर से उधर चला जाएगा आपको नहीं पता चलता है। वॉकर में बैठने के बाद बच्चों को एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने का चांस मिल जाता है, जिससे वो कोई ऐसी चीज़ उठा सकता है, कोई ऐसी चीज़ टच कर सकता है जो उसके लिए दिक्कत कर सकती है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वॉकर्स में चल बैठते हैं, बहुत स्पीड से चल जाते हैं, कहीं कहीं वो स्टेयर्स है या कुछ है तो उससे गिरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी मिथ है जो पेरेंट्स को लगता है बेबी वॉकर्स को लेकर के। पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बच्चों को हम वॉकर में बैठाते हैं तो हमारे बच्चा जो है वो एक सेफ है, कुछ मिनट्स के लिए आप उसको सेफ मान सकते हो। बट स्टडीज शो करती हैं दोस्तों कि 40% चिल्ड्रंस एंड अप करते हैं हर्ट होकर के। बहुत से हॉस्पिटल्स में ऐसे केस आते हैं जिसमें बच्चे बर्न हो जाते हैं या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें छूते हैं या खा लेते हैं मुंह में, जो उनके लिए काफ़ी इंजरी कर जाती है। हमने चाय रखी है, कॉफ़ी रखी है, एंड बच्चा वॉकर में है तो वो आराम से जा कर के उसको पिकअप कर सकता है। अगर हाइट पर भी रखी है तो वॉकर में बैठ कर वो उसको वहाँ तक आराम से पहुँच जाता है। बहुत से पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम बच्चों को वॉकर में बैठाएंगे तो हमारा बच्चा जल्दी चलना शुरू करेगा। बट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग आपका बच्चा वॉकर में बैठने के बाद नॉर्मल जो उसकी डेवलपमेंट है उससे वो डिले हो जाता है। अगर वो 4 दिन में चलना सीखेगा तो वहीं अगर उसने वॉकर यूज़ किया हुआ होता है तो उसको वही चीज़ 8 से 9 दिन भी लग जाते हैं चलने में। अगर आपका बच्चा, जैसे आपको लगता है कि हमने वॉकर में बैठाया है तो उसकी मसल्स स्ट्रांग होंगी लेग्स की, वो ऐसे पुश करके भागेगा चलेगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वॉकर में बैठाने के बाद बच्चा एक तरीके से पूरा वॉकर के ऊपर डिपेंड होने लग जाता है। वो उसको क्या, आप वॉकर में बैठाते हो तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है बैठने का एंड पुश करने का। तो बच्चा, अगर आपके वॉकर जो आपने लिया है उसके आगे अगर ट्रे वगैरह भी बहुत आजकल आती हैं, ऐसे वॉकर में ट्रे वगैरह लगा होता है, तो उसको ऐसे किसी बच्चे को अपने लेग्स के मूवमेंट दिख ही नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं लगता। उसको बस ये पता चलता है मैं बैठा, मैंने पुश किया, मैं आगे जाऊँगा। तो ये बच्चों को जो वॉक करने का जो पूरा सिनेरियो है उसको वो नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी डिले होता है वॉक करना सीखने में या स्टैंड करने में, उसको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छे से चले, जल्दी चलना सीखे या कोई भी इस तरीके से, दोस्तों ऐसे केस में आप बच्चे को थोड़ा फ्लोर टाइम दो। उसको नीचे बेड से छोड़ के नीचे आप मैट बिछा कर या कुछ भी बच्चे को वहाँ बैठाओ, उसको क्रॉल करने दो। बच्चा जब क्रॉल करता है दोस्तों, क्रॉलिंग से भी बच्चों का माइंड डेवलप काफ़ी अच्छे से होता है। रोलिंग उसको सीखेगा, बैठना सीखेगा, किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा, उससे उसकी मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। एंड वो अगर
आपको बच्चे को चलना सिखाना है तो आप बच्चे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसके लेग्स का मूवमेंट करवाओ, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे चलेगा तो उसे ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि एक पैर आगे बढ़ाना है, दूसरा पैर आगे बढ़ाना, उससे बच्चे चलने जल्दी सीखते हैं एज कम्पेयर टू वॉकर। वॉकर किसी भी सेंस में बच्चे के लिए बेनिफिट नहीं देता है, फिर भी आपका है मन कि आप बच्चे के लिए अपने वॉकर लो, तो दोस्तों आप बिल्कुल ले सकते हो अपने बच्चे के लिए वॉकर। बट मेरा सजेशन है, एंड स्टडीज़ भी ऐसा शो करती हैं, अगर आपको बच्चे के लिए वॉकर लेना है तो आप उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखो। उसका वो चीज़ें हैं, आपको बच्चे का जो वॉकर ले रहे हैं उसमें चेक करना है कि लॉक सिस्टम है कि नहीं है, उसकी व्हील्स लॉक होता है, जिससे उसके जो व्हील्स है वो आप कहीं बैठा कर बच्चे को लॉक कर सकते हो, तो बच्चा वहीं पर रहेगा, वो मोबाइल नहीं हो पाएगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा। वो बच्चे के लिए ओके है। जब आप फ्री हो जाओ तो आप अपने बच्चे को, आपको बैठाना है आप बैठा सकते हो, बट आपको ऑल टाइम बच्चे के साथ रहना पड़ेगा वॉकर में, उसको देखते रहना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ टच कर रहा है, कितनी स्पीड से कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप खड़े खड़े देख रहे हो और वो इतनी स्पीड से जाए वॉकर से कि सामने स्टेयर्स हो तो वो गिर भी सकता है। तो बहुत प्रिकॉशंस चाहिए अगर आप वॉकर बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप लॉक वाला लेते हो, उसकी व्हील्स लॉक हो जाएंगी, आप उसको बैठा करके अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें कर सकते हो, उसी पर्पज़ के लिए ओके है। बट अगर आप चाहते हो उसमें बैठ के बच्चा हमारा वॉक करना सीख जाए तो ये काफ़ी दिक्कत दे सकता है बच्चे को भी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करेगा एंड बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।